अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रऊफ है और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप लोग जो है अपना सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं आपको पता होगा कि जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी, आपकी वीडियो पे ऐड नहीं आएंगे, आपकी इनकम नहीं होगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, जस्ट सिंपल से कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा, ऐसे रियल वे बताऊंगा कि आपके जो है सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। जी हां फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले जो बंदे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपने जो है करना क्या है, आपने सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए एक चीज आपने फॉलो करनी है, वो है सब्र। जी हां फ्रेंड्स, आपने अगर तो आप यूट्यूबर हैं तो लाजम आपको सब्र रखना होगा, आपको जो है इंतजार करना होगा, आपका मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सिंपल से स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। नंबर वन पर है टॉपिक। तो टॉपिक आपने जो फ्रेंड्स वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। जी हां फ्रेंड्स, ये नहीं है कि आपको जो है अब टेक के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप लोग उस वीडियो बना रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। तो आपने टॉपिक वही चूज करना है जिस पर आप एक्सपर्ट हैं, जो आपको करना आता है। जी हां फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि जो बंदे भी आपकी वीडियो देखेंगे वो पूरी वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो उनको समझ भी लगेगी। तो ये ना हो कि आपका टॉपिक और हो, वीडियो और हो, तो एक टॉपिक आप पकड़ें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं और वो वीडियो बनाएं डेली के बेसिस पर। और अगर आप न्यू हैं तो आपने क्या करना है, डेली बेसिक पर एक वीडियो डालनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए एक वीडियो डेली बेसिक पर। हाँ, कभी कभार जो है एक दो दिन के बाद भी आप डाल सकते हैं, ये नहीं कि लाजम डेली के डेली डालनी है, नहीं। टॉपिक और वीडियो कंटेंट है जो वो आपने सही रखना है अपना, और कम से कम आपको सब्र रखना है। ठीक है, ये नहीं है कि आज आपने ये फ्रूट फॉलो किए हैं और आपके जो है सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम कम्प्लीट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद मेहनत की है, 3 साल मेहनत की है मैंने, 3 साल के बाद जाके जो है मेरा जो है वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। तो आपने करना क्या है फ्रेंड्स, आपने यही फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, एक आपने सब्र रखना है, दूसरा आपने टॉपिक वो चूज करना है जिसको आप जो है जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं, जो आपको पता है हाँ भाई ये मैं करूंगा तो लोग इसको देखेंगे, ठीक है, इसमें ये मुझे टॉपिक आता है, तो वो टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने थंबनेल जो बनाना है, थंबनेल भी आपने बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाना है ताकि जो बंदा भी देखे उसके ऊपर लाजमी क्लिक करे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें याद रखनी है, नंबर एक पर टॉपिक, दूसरे पर थंबनेल। कोई भी बंदा जिसके सामने आपकी वीडियो आएगी उसके ऊपर लाजमी क्लिक करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा आपका जो है इम्प्रेशन ज्यादा आएंगे और आपके व्यूज ज्यादा आएंगे। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आपने वीडियो जो बनानी है, मिसाल के तौर पर आपका टॉपिक टेक के बारे में, तो आपने वही कंटेंट बनाना है जो सर्चेबल, जो लोग सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको नहीं पता कि लोग क्या सर्च करते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस के अंदर जाकर देखें लोग क्या पूछ रहे हैं उनसे। मिसाल आपका टॉपिक, आपका जो यूट्यूब चैनल है किस टॉपिक के बारे में है, उस टॉपिक के बारे में आप देखें कि लोग क्या ढूंढते हैं उस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आप ये फॉलो करने वाली, जैसा कि मेरा टेक का टॉपिक है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो खुद ढूंढता हूँ यूट्यूब के ऊपर, मैं वो सीख के फिर आगे वीडियो बनाता रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने वेबसाइट बनाई थी तो मैंने बहुत सारे सर्च किए थे, तो वही सर्च मैंने वही सी सर्च के ऊपर वीडियोस बनाई, तो मेरे जो है व्यूज आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें होती हैं याद रखने वाली। आपने ये नहीं है कि कोई भी आज ये वीडियो बना दी कल वो वीडियो बना दी, बस वीडियो बनानी है पैसे कमाने हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने वीडियो कॉन्टेंट पूरा जो है सही एक तरीके से बनाना है ताकि आपको जो है उसकी इनकम लाइफ टाइम चले। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप बातें होती हैं याद रखने वाली। कुछ जो होते हैं जो यही करते हैं कि आते हैं, मैं भी करता रहा हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब पे ज्यादा बनाया था तो मैंने तकरीबन 4-5 चैनल बना के डिलीट कर लिए थे। ठीक है, क्या होता था, चैनल बनाता था, वीडियो डालता था, कोई इधर से उठाई कोई इधर से उठाई, बस जी व्यूज नहीं आ रहे, सबका वॉच टाइम नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, तो चैनल डिलीट कर देता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा, सबर किया, ठीक है, उसका फल मुझे मिला। तो आपने भी क्या करना है, इस चीज को लाजमी से करना है। नंबर वन पर है आपका कंटेंट, सेकंड पर थंबनेल, थर्ड नंबर पर सर्च टॉपिक, क्या लोग पसंद करते हैं देखना, क्या लोग सर्च करते हैं यूट्यूब के अंदर। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे मेरी वीडियो के अंदर जो है ज्यादा जो व्यूज है वो सर्चेबल है, यानी कि लोग मेरी वीडियो सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं
तो क्या करना है, ऐसा कॉन्टेंट बनाना है यार। आप क्यों ढूंढते हो दूसरों के, आपको कैसे पता चलेगा? नए बंदे यही सोचते हैं कि यार हमको कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी वीडियो को क्या टॉपिक सर्च कर रहा है, कौन सी वीडियोस लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप सिंपल सा आप अपने आप को रख लें कि मैं क्या सर्च करता हूँ यूट्यूब के अंदर, तो वो इसी टॉपिक पर वीडियो बनाए, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है व्यूज आते जाएंगे, आपकी इनकम जो है स्टार्ट हो जाएगी, वॉच टाइम कम्प्लीट होगा और सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होंगे, उसके बाद इनकम आएगी। इनकम आने के लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, जल्दी इनकम नहीं आती यूट्यूब से कम एक साल लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, लगातार एक साल वीडियोस डालनी होती हैं, उसके बाद ही जो है आते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको समय लग गई होगी, थोड़ी बहुत जो मैंने डिटेल आपको देना चाहता था आपको समय लग गई होगी। तो अगर किसी को समय नहीं लगी तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, फेसबुक पे मैसेज कर सकता है, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।